भट्ट जस्टिस राहुल भट्ट अमर रहे राहुल भट्ट अमर रहे राहुल भट्ट अमर रहे राहुल भट्ट के कातिलों को फांसी दो फांसी दो राहुल भट्ट के कातिलों को फांसी दो फांसी दो वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। आज हम यहां जगती के साथ लाइन में एक एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि कल राहुल भट्ट की हत्या की गई कश्मीर के बडगाम में और एक गवर्नमेंट ऑफिस में। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि कश्मीर की मिलिटेंसी, हमने बार बार बताया है कि कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही है और कश्मीर में मैनारटीज और कश्मीरी पंडितों को, पुलिस वालों को, हिंदुस्तानियों को कत्ल किया जा रहा है। लेकिन यह सरकार नींद से, गहरी नींद में सोई हुई है। जिस सरकार को ये गवारा नहीं होता है कि बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया जाता है और ये अपने कुर्सियों का मज़ा चख रहे हैं। हम आज राहुल भट्ट को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और सरकार से बताना चाहते हैं कि होश में आओ, कश्मीर के हालात 1990 से बदतर हो रहे हैं, कश्मीर के हालात को सुधारा जाए और मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। आज हम इस प्रोटेस्ट से कश्मीर के मुसलमान बरादरी को कहना चाहते हैं जो ये मिलिटेंसी है इसके खिलाफ ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हर जगह होना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान की मिलिटेंसी है जो कश्मीर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को के भाईचारे को जख्म पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें खबरदार होना चाहिए और इस मिलिटेंसी को हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में अमन सुकून रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट यहाँ जगती के साथ लाइन में है। हम सरकार से मांग करते हैं कि राहुल भट्ट के कातिलों को 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जानी चाहिए। जय हिंद। ये सरकार की नाकामियाँ है। हमने बार बार सरकार को बताया था और बता भी रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंसी ज़्यादा हो रही है, जबकि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाता है। ये सरकार, बीजेपी सरकार दावे करती थी कि कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म हुई है और जब इनको इलेक्शन थे उन दिनों ये बता रहे थे कि हम कश्मीरी पंडितों के सारे मसाइल हल कर लेंगे। जब इनकी सरकार बनी तो कश्मीरी पंडितों की तरफ इन्होंने देखा भी नहीं। मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने एक भी बात कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं की। हम इस किलिंग की, जो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में चुन चुन कर मारा जाता है और गवर्नमेंट ऑफिसों में मारा जाता है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से पूछना चाहते हैं आखिर सरकार कहाँ तब तक होती है, सोई हुई होती है जब तक कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मारा जाता है।